हेलो वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बस थोड़ा सा खांसी जुखाम है, वो भी ठीक हो जाएगा। आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन ना मैं मोस्टली काले चने बनाने की कोशिश करती हूँ, तो यहाँ पे चने उबलने रख दिए हैं, दूध उबाल दिया है और साथ में मैं बनाऊंगी हलवा। वैसे तो मैं बेसन का बनाती हूँ लेकिन आज बेसन नहीं है, तो चलिए आज सूजी का हलवा बनाते हैं, लेकिन कुछ अलग ही स्टाइल में बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये सूजी भिगो के रखती है और इस सूजी से मैं जो है हलवा बनाने वाली हूँ। तो लीजिए, चने तो मेरे उबल गए हैं, यहाँ पे चने पसा दिए हैं मैंने, काले चने। और कौन कौन अपने घर में सैटरडे वाले दिन चने बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये तो ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं हलवा चने, और जो लंच है उसमें बनेगा बैंगन का भरता। मेरे हस्बैंड का और बेटी का फेवरेट है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन भैया घर में जब बच्चों को हस्बैंड को कुछ पसंद होता है ना, तो वो चीज़ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कुछ अलग स्टाइल से बनाती हूँ, मैं ना गैस पे भून के नहीं बनाती, उससे ना गैस ख़राब हो जाती है मेरी, तो होब है ना तो उसमें नीचे घुस जाता है सारा पानी वानी, क्लीन होने में दिक्कत होती है। और इस तरह से अगर आप बनाते हैं ना जैसे मैं बनाऊंगी, तो आपका जो है बैंगन का भरता अच्छा भी बनता है और जल्दी भी बनता है, और साथ ही में जो है आपको कीड़े वगैरह का डर नहीं रहता। तो देखिए पूरा अच्छे से छिलका उतार लूंगी, साथ ही मैंने इसका डंठल भी अलग कर दिया है। और देखिए अब काट के हम इसे पीसेस करेंगे ना, तो दिख भी जाएगा अगर बैंगन में कोई कीड़ा वगैरह होगा, नहीं तो डाउट रहता है कीड़े का। तो देखिए कुकर में डाल लेंगे और इसके बाद आप या तो थोड़ा सा तेल लगा दीजिए इसमें, या हल्के से ना इस तरह से छींटे मार दीजिए पानी के, आपको बहुत सारा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। बस हल्के से कुछ छींटे डालिएगा क्योंकि जो बैंगन है वो अपने आप ही पानी छोड़ देता है। और अब हम इसमें लगा देंगे एक सीटी। तैयारी कर दी है थोड़ी सी, मतलब सूजी भिगो दी है, चने उबाल लिए हैं और बैंगन में सीटी लगा दी है, लेकिन अब फटाफट से मैं नहा आती हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ और रड्डू गोपाल को स्नान करा देती हूँ। और सैटरडे को मैं मोस्टली उनको ब्लू या ब्लैक कलर के कपड़े पहनाने की कोशिश करती हूँ। और ये वाली पगड़ी मैंने 2-2.5 साल पहले बनाई थी और इतनी अच्छी है, फिटिंग भी अच्छी आती है और कोई बुकरम वगैरह कुछ नहीं लगाई है मैंने, आसान है बनाने में भी। तो वैसे तो वीडियो है चैनल पर, आप उधर देख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ फिर से शेयर कर दूंगी। मार्केट वाली पगड़ी फिर भी जल्दी खराब हो जाती है, ये वाली काफ़ी टाइम से चल रही है और फिटिंग भी एक नंबर आती है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो देखिए इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं, आप सभी को बोल रहे हैं राधे राधे। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जोत बत्ती वगैरह कर दी है, और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप उल्टे हाथ से पूजा मत कीजिए, जोत उल्टे हाथ से मत कीजिए। तो उल्टे हाथ से नहीं कर रही हूँ, सीधे हाथ से ही करती हूँ, क्योंकि कैमरा सेल्फी मोड में फिक्स होता है ना, इसीलिए आपको अपोजिट दिखता है। देखिए ऊपर शुभ लाभ भी आपको उल्टे दिख रहे होंगे। अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब मैं फटाफट से हलवा बनाने वाली हूँ। चलिए, बेटी ने छोड़ दिया है, मेरी हेल्प कर दी है, और चाय बनाऊंगी क्योंकि चाय भी नहीं पी है सुबह से, और साथ ही मैं भरता छोड़ दूंगी और आटा लगा दूंगी। तो चलिए हलवा बना लेते हैं। तो देखिए हमारी सूजी ना इस तरह से फूल गई है अच्छे से दूध में। उसके बाद मैं एक कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी ले रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद पहले हम ड्राई फ्रूट भून लेंगे, वैसे काजू का और बादाम का टेस्ट अच्छा आता है, बाकी अपनी मर्जी से आप कुछ भी डाल सकते हैं, किशमिश गोला वगैरह, और उन्हें भून के इस तरह से तल के निकाल लीजिएगा। उसके बाद ये पेस्ट हम इसी घी में डालेंगे और उसके बाद इस पेस्ट को ना अच्छे से हम भून लेंगे, जैसे मूंग की दाल का हलवा बनता है ना, वैसे हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो शुरू शुरू में आपको लगेगा गांठे बन रही है, चिपक रहा है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें घी ऐड करिएगा, 1-2 चम्मच करके, और फिर भूनते रहिएगा। तो 5-7 मिनट आप भूनेंगे ना, उसी में ये अपने आप जो है खिलके एकदम से दानेदार होने लगेगा। शुरू में लगेगा आपको कि क्या आफत मोल ले लिया, पता नहीं कैसा होगा, खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो देखिए जीत हासिल हो ही जाएगी आपको। इस तरह से जो है ये दानेदार हो जाएगा। उसके बाद हमें चीनी डालनी है इसमें पहले, और चीनी को भी अच्छे से भून लेना है, इससे जो है ना कैरेमल का फ्लेवर आएगा, बहुत ही यम्मी लगेगा। उसके बाद हम 4 गुना पानी, यानी कि मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो 4 कटोरी में उसी सेम कटोरी से पानी डालूंगी, और अब आप इसे अच्छे से जो है पका लीजिए। और शुरू शुरू में आपको यही लगेगा ये तो बहुत पानी पानी है, लेकिन बाद में अपने आप ये गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमने तल के ड्राई फ्रूट रखे थे ना, ये इसमें डाल देंगे, और सच्ची बताऊँ बहुत ही टेस्टी बना था। और थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दूँ ना, तो ये कुछ सोन हलवा और मूंग की दाल हलवे का मिक्सचर बना था, जो कि बहुत यम्मी लगा, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया, बस मेरे तो मेहनत सफल हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी जो है क्लीनिंग करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैं भोग लगाऊंगी लड्डू गोपाल को, तो उनको हलवा दे आती हूँ। और देखिए एक सीटी लगने के बाद आपके बैंगन कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ना ये जले हैं और ना ही ये ओवर कुक हुए हैं, ना ही ये कच्चे हैं। और इस तरह का मैं ग्लास ले लेती हूँ जिसकी किनारी हो, और इससे ना इसी में मैश कर लूंगी अच्छे से, कहते हैं ना पीट पीट के तेरा भुर्ता बना दूंगी, तो इसलिए कहते हैं वो। अब हमें इसे अच्छे से कूटा पीटी करनी है, और देखिए अच्छे से ही हम इस तरह से जब मैश करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से हो भी जाता है। और ये लीजिए पूरा अच्छे से हमने इसका भरता बना दिया है, तो ये हमारा भरता तैयार है। अब इसमें हम छोक लगा लेंगे। तो सभी को दे दिए थे मैंने हलवा और चने, तो चलिए मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ जल्दी से, तो हलवा खा लीजिए आप लोग भी आइए। तो मुझे तो बहुत पसंद आया और मैं तो अब हमेशा ऐसे ही बनाने वाली हूँ। खा के देख पहले बता कैसा है, पहले खा और फिर बता, टेस्ट करे तूने अभी तक? करियो
बेटा रूसा हुआ था इसीलिए खा नहीं रहा था क्योंकि लड़ाई हो रही थी दोनों बहन भाइयों की टीवी देखने के ऊपर। वो कह रहा था मैं देखूंगा, वो कह रही थी मैं देखूंगी, तो बेटा कह रहा था जब खाऊंगा पहले आप टीवी का रिमोट मुझे दिलवाओ। और फिर उसके बाद किचन में आके मैंने तैयारी करके रख दी थी, आटा गूंद दिया है, भरता बना दिया है और अब तैयार हो जाते हैं क्योंकि मुझे जाना है बेटी के साथ उसके स्कूल, पीटीएम है उसकी आज। और जल्दी जल्दी का काम ना हमेशा शैतान का ही होता है, ये बात सच है। जैसे कि आज देख लीजिए, हस्बैंड ने बोला था मेरी भी वहाँ पैंट रखी है उसे प्रेस कर देना, और देखिए जैसे ही मैंने प्रेस करना शुरू करा मैंने अपने हस्बैंड की पैंट जो है जला दी, और अभी ही सिलवाई थी उन्होंने नई थी, और अब मुझे पड़ेगी बड़ी तगड़े वाली डांट। पढ़नी भी चाहिए भाई, गलती मेरी ही है, मेरी ये वाली जो प्रेस है ना ये कपड़े जला देती है कई बार क्योंकि चिपक जाती है ये कपड़ों पे। ये कॉटन वगैरह के कपड़े तो सही से कर देती है लेकिन जो हल्के कपड़े होते हैं ना या जो इस तरह के कपड़े होते हैं वो ये जला देती है, और मेरे को पता है ये जला देती है, पर जल्दी जल्दी मैंने फटाफट से प्रेस ऐसे सोचा क्या क्या ही जलेगी फेर देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था ये ना स्ट्रेचेबल वाली पैंट है। पर अब जब करा है गलत काम तो भैया डांट तो खानी पड़ेगी, और ऊपर से प्रेस का सत्यानाश किया है वो अलग है, देख रहे हो आप कितनी मोटी लेयर चिपक गई है, और जलने के और काम कर रहे हो ऊपर से, उसी को ना हाथ से और हटा रही थी, फिर याद आया कि बस बस इसे रख दे जल्दी से लेट हो रही है, तो फटाफट से मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। तो मैंने फटाफट से जो है कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। तो देखिए कुछ आज का लुक है इस तरह का, और आज मैंने जो है पर्स चेंज कर लिया काफ़ी दिनों बाद, नहीं तो वही एक छोटा वाला जो है ना काफ़ी टाइम से मैं ले रही थी। स्कूल से आ गए थे पीटीएम अटेंड करके, और जैसे ही घर आए तो यहाँ पे हमें मिला अपना मीशो का ऑर्डर, तो देख के बड़ी खुश सी हो गई थी मैं, लेकिन अब डर भी लगता है पता नहीं जो मंगाया वो निकलेगा भी या नहीं। बस वही चेक किया लेकिन साइड में रख दिया, पूरा खोल के नहीं देखा क्योंकि पहले मुझे बनाना था खाना, बाकी तो तैयारी मैं करके गई थी, बस रोटी ही सेकनी थी। और मेरे घर में ना एकदम से ही सबको भूख लगती है, अभी चाहिए तो मतलब अभी चाहिए, और बना रखा हो ना तो मेरे हाथ पैर नहीं फूलते हैं। फैमिली चलिए पूरा कर लेते हैं काम को जो अधूरा रह गया था। एक्चुअली मैंने ये साड़ी का आपको रिव्यू जो दे रही थी, वीडियो बना रही थी, वो आधे में रह गई थी क्योंकि तब हस्बैंड बोले कि पहले मेरे को खाना दे दो, तो उनको खाना देने लगे, और खाना खाने के बाद मैं कपड़े चेंज करके सो गई क्योंकि दवाई लेके सोई थी। मेरे ना यहाँ पे सिर में यहाँ पे दर्द है आँख में, और अब एक डेढ़ घंटे बाद 2:30 बज रहे हैं, अभी मैं उठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो काम जो हम आधे में छोड़ गए थे उसे कम्प्लीट कर लेते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ ये साड़ी कैसी है। तो ये साड़ी है लहरिया प्रिंट में, इसमें इस तरह की पिंक कलर की लेस दी हुई है, और काफ़ी कलर थे इसमें, और भी लेस चेंज थी जिनमें, और बीच के लहरिया के कलर भी चेंज थे। मुझे यही वाला पसंद आया था तो मैंने यही मंगाया है, और जॉर्जेट है, कपड़ा अच्छा है काफ़ी। और ये मैंने जो है मीशो से मंगवाई है, 464 रुपीज़ की आई है, मुझे तो अच्छी लगी, बाकी आप बताइएगा कमेंट करके कैसी है ये। उसके बाद मैंने बना ली थी चाय, और शाम की चाय तैयार है, आइए आप लोग भी पी लीजिए, आप कहेंगे इतनी सारी किसके लिए बनाई है। तो मैंने फालतू बना ली थी क्योंकि ना बेटे के भी जुखाम सा हो रहा है, बेटी को भी थोड़ी सी हरारत लग रही थी कि मम्मी तबीयत ठीक नहीं है, और आ गए थे समोसे, तो चलिए समोसे खा लेते हैं। और तीनों की मैंने बना ली है चाय, वैसे मेरे बच्चे चाय नहीं पीते हैं लेकिन कभी सर्दी जुखाम होता है ना तब मैं उन्हें अच्छे से जो है तुलसा लौंग वगैरह डाल के अच्छी सी जो है काढ़े जैसी चाय बना के दे देती हूँ, अच्छी रहती है। उसके बाद ये देखिए ब्लैंकेट है, मैंने निकाला था कई दिन पहले, तो अभी इसे वॉश कर लेती हूँ, लास्ट टाइम मैंने वॉश करके रखा नहीं था तो चलिए वॉश कर लेते हैं। मैं तो घर पे ही वॉश करती हूँ क्योंकि एक बार मैंने ड्रैकलिन के लिए दिया था और जैसा दिया ना वैसा का वैसा बस पैक करके उन लोगों ने दे दिया, बिल्कुल भी मुझे तो साफ़ लगा ही नहीं, और मैंने घर पर फिर दोबारा धोया, तो तब से तो मैं ना घर पर ही धोती हूँ। आप लोग ड्रैकलिन करते हैं या घर पर धोते हैं बताइएगा ज़रूर मुझे। तो मैं कैसे धोती हूँ आज मैं वो बताती हूँ आपको। मैं ना खूब तेज़ गर्म पानी ले लेती हूँ, बिल्कुल जो उबलता हुआ पानी होता हो सके उतना तेज, उसके अंदर जो भी आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो डाल लेती हूँ अच्छे से, और फिर इसे ब्लैंकेट को इसके अंदर ना डिप करके रख दूंगी। मैं तो रात भर के लिए छोड़ देती हूँ, पूरी रात इसमें डिप रहेगा ना तो अच्छे से इसका सारा मैल वगैरह निकल जाएगा, नहीं तो 2-3 घंटे भी छोड़ सकते हैं। और खूब तेज पानी है तो हाथ तो दूर, पैर भी नहीं लगाया जा रहा था ना, जल रहा था पैर भी, या कई बार मैं किसी डंडे वगैरह से अच्छे से डिप कर देती हूँ वो भी सही रहता है। मैंने ये जो है ब्लैंकेट भिगो दिया है, अब इसे सुबह जो है मैं अच्छे से रगड़ के साफ करूंगी, और शाम की जो बत्ती वगैरह सब हो चुकी है और टाइम हो गया है 7 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ चलो सांझी पेंट का जो काम है वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और पता नहीं क्या हो रहा है, सारे घर की लाइटें देखो कैसे झुक झुक कर रही हैं, क्या चक्कर है पता नहीं, सारे घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइट तो इसी तरह से कर रही है, पता नहीं क्या ही है। और अपना मन करता है तो ठीक से चल लेती है, नहीं तो इसी तरह टिक 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 करती रहती हैं। तो सारे पेंट वगैरह सारे ब्रश वगैरह मैं इकट्ठे करके ले आई हूँ क्योंकि अब हम करेंगे सांझी माई को कलर, और ये सांझी माई का भाई है जो मेरे बेटे ने बनाया है, ये आप सभी को कर रहा है राम राम। और कभी भी कुछ इस तरह की चीज़ें मैं करती हूँ ना तो मेरा बेटा हमेशा पास आ जाता है, वैसे तो बेटी भी इंटरेस्ट दिखाती है क्योंकि मैंने शुरू से आदत डाली है बच्चों को ना इस तरह से इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने के लिए, तो हम माँ बेटे लग गए थे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सौरभ जोशी और आपकी मेरी वीडियो में स्वागत है। स्वागत है, पीछे से दिखा स्वागत।
यो दोस्तों मैं हूँ सौरभ जोशी। अच्छा नहीं लग रहा। तो फाइनली फ्रेंड्स खत्म हो गया है मेरा सांझी माई की पेंटिंग का काम, और अब मेरी बेटी जो है बोल रही है मैं इसका सत्यानाश कर देती हूँ मतलब एंड कर देती हूँ। तो मैंने विश्वास करके उसके हाथों में बागडोर सौंप दी है, अच्छे से फ्लावर वगैरह रहने दे तो सत्यानाश कर देगी। तो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह हो गई है, बाकी हम सांझी कैसे बनाएंगे वो तो आपको डिटेल में वीडियो मिली जाएगी। अभी जो है गोबर से इसे चिपकाएंगे। और टाइम कितना हो रहा है, ओ माय गॉड 9 बज गए हैं रात के, और भूख लग गई है। बच्चों ने तो खाना खा लिया, मैं भी जल्दी से खा लेती हूँ। डिनर में बनी है खिचड़ी, मैंने ना टाइम से ही खिचड़ी बना दी थी ताकि जो है मैं अगर पेंटिंग के काम में लग जाऊँ तो खाना बना रहेगा। तो फैमिली ब्लॉग का हम एंड करते हैं यहीं पे, और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो, चैनल अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल पर बने रहिएगा, यूं ही सपोर्ट करते रहिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।